नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉलिंग कॉन्फ्रेंसिंग पर जुड़ने के लिए जिस जूम ऐप का इस्तेमाल करते थे, अब उसी जूम ऐप को गृह मंत्रालय खतरनाक और संदिग्ध माना है। देश के लोगों को एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि ऐप सुरक्षित नहीं है, ऐसे में लोग इसका सावधानी से इस्तेमाल करें। गृह मंत्रालय की ओर से जो जानकारी हमें दी गई उसकी माने तो सरकार ने पहले भी 6 फरवरी 30 मार्च को इसको लेकर जनता को जानकारी दी थी। ऐसे में लोग इस पर सतर्कता बरते। सरकार ने कहा है कि लोग अगर इसका इस्तेमाल कर भी रहे हैं तो कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखें। लगातार पासवर्ड बदलते रहें, कॉन्फ्रेंस कॉल में किसी को भी अनुमति न दें और सतर्कता बरतें। सरकार ने जो एडवाइजरी जारी की है वो कुछ इस प्रकार है। हर बैठक के लिए नई यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करें। वेटिंग रूम को इनेबल करें। ज्वाइन ऑप्शन को डिसेबल कर दें। स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन सिर्फ होस्ट के पास रखें। किसी शख्स के लिए रीज्वाइन का ऑप्शन बंद रखें। फाइल ट्रांसफर के ऑप्शन का कम से कम इस्तेमाल करें। यहाँ पर एक बात बताते चलें कि देश में लॉकडाउन है और देश की 130 करोड़ की जनता अपने अपने घरों में कैद है। अधिकतर ऑफिसों ने वर्क फ्रॉम होम का सिस्टम अपनाया हुआ है। इसी बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो कॉल का चलन बढ़ा है। कई दफ्तर और लोग जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन समय समय पर इसकी सुरक्षा पर सवाल भी खड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार की एडवाइजरी आना एक तरह से झटका है। अब देखना होगा कि लोग आगे क्या करते हैं और किस तरह जूम ऐप यूज करते हुए सावधानी बरतते हैं।